अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम जो है हमारे पास दो क्वांटिटीज प्रेशर एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास डेंसिटी। तो हम देखेंगे कि हम इनकी डायमेंशन जो है वो सिंपलेस्ट वे में, इजी जो हमारे पास सबसे वे है, वहाँ से हम जो है वो कैसे इनके जो डायमेंशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपलेस्ट वे है, आपने जस्ट इसको फॉलो करना है, तो आपके किसी भी चीज़ के जो डायमेंशन है ना वो ईजिली जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रेशर है, तो हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो है ना इसकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जिस भी चीज़ की आपने डायमेंशन फाइंड करनी है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना एरिया है हमारे पास और उस पर कितनी फोर्स जो है वो हम एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो रेशियो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारा प्रेशर होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है प्रेशर का, फिर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स जो है हमें पता है कि हमारे पास वो न्यूटन के इक्वल होती है, ठीक है, न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो एरिया है उसका हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्या क्या हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही थी, फोर्स और एरिया। तो फोर्स का हमारे पास जो यूनिट है SI, वो हमने लिख लिया, और नेक्स्ट जो क्वांटिटी थी हमारे पास वो एरिया था। तो फिर हमने क्या किया, जो एरिया था उसका भी SI यूनिट लिख लिया। तो फोर्स का SI यूनिट हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एरिया है उसका हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो अब हम इनकी डायमेंशन लिख लेते हैं, kg। तो kg के लिए हम डायमेंशन क्या यूज़ करते हैं, m, ठीक है, मास। और ये है हमारे पास मीटर, मतलब कि लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड। तो ये है हमारे पास टाइम। तो ये आ गई हमारे पास किसकी, फोर्स की डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास इसके नीचे क्या है, मीटर, फिर ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। तो मीटर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है अब हम लिख सकते हैं, फिर एल जो है वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो साथ में हमारे पास क्या है, एल एल टू, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, तो पी इज इक्वल टू, ये एल है हमारे पास वन, और ये है एल माइनस टू, तो एम एल वन, ठीक है। और ये आ गया साथ में माइनस टू, और साथ में टी माइनस टू आ गया हमारे पास। P इज इक्वल टू एल की ये वन है, तो ये हमारे पास माइनस टू है, तो ओवर क्या आल हमारे पास क्या हो जाएगा, एल वन और माइनस टू, तो टू जो है हमारे पास माइनस का है, बड़ा है हमारे पास, इसके साथ माइनस साइन है, तो एम एल की माइनस वन हो जाएगी हमारे पास, और टी के साथ में माइनस टू। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ गई, प्रेशर की डायमेंशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो प्रेशर के हमारे पास डायमेंशन क्या लिख रही है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी। तो यही हमारे पास वे है कि हम जो है सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में हमारे पास जो क्वांटिटीज आएंगे उनके हमने यूनिट लिख लेने हैं, और यूनिट से सिंपली हमारे जो है वो डायमेंशन इसकी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मीन जो है हमारा एम, और वॉल्यूम का जो है हमारे पास यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम हम होता है हमारे पास मीटर क्यूब के इक्वल, ठीक है। और मीटर के लिए हम क्या डायमेंशन यूज़ करते हैं, मीटर के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं एल थ्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब एल नीचे जो है वो हमारे पास प्लस का है, तो इसको सिंपली जो है हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके हमारे पास माइनस का एल माइनस थ्री। तो ओवरऑल जो डेंसिटी की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वो एम एल माइनस थ्री। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट वे है कि सबसे पहले इस क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में जो हमारे पास क्वांटिटीज आएंगे उनके यूनिट, और यूनिट से हमारी डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।